9 सितंबर को रिलीज होने वाली ब्रह्मास्त्र को लेकर अब भी लोगों में गुस्सा बरकरार है। करण जौहर के बयान के बावजूद अब भी लोग ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की ये पहली फिल्म है जिसमें वो दोनों एक साथ नजर आने वाली है, लेकिन अब भी 80,000 से ज्यादा लोग बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। ट्विटर पर अब भी फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है। 9 सितंबर को सिनेमा घरों में ब्रह्मास्त्र रिलीज होगी। ऐसे में इस फिल्म को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। एक तरफ फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने काफी पसंद किया है, इस फिल्म में काफी VFX का काम किया जा रहा है, लेकिन इस फिल्म में काम करने वाले दर्शकों को अमिताभ बच्चन को लेकर लोग अटकलें लगा रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी है और ऐसे में इस फिल्म को लोगों को नहीं देखना चाहिए। बाकी फिल्में जिस तरह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है, उसी तरह ब्रह्मास्त्र को भी फ्लॉप करने के लिए बॉयकॉट आर्मी पूरी तरह तैनात है और इस फिल्म को भी बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है।